नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज हम अपने काउंटडाउन में आपको बताने जा रहे हैं बिहार की टॉप 5 सुपर दुल्हनिया के बारे में। ये दुल्हनिया अब तक बनी नहीं है, लेकिन इन्हें दुल्हन बनाने के ख्वाब कई लोग देखते हैं और अच्छे अच्छे घरों के लोग ये सपने देखते हैं कि इनकी जैसी बहुएं उनके घर की लक्ष्मी बने। नंबर 5, श्रेयसी सिंह। हमारे काउंटडाउन में सबसे पहले बात करते हैं श्रेयसी सिंह के बारे में। यह वही श्रेयसी सिंह है जिनकी बोली और गोली दोनों बोलती है। श्रेयसी सिंह इंटरनेशनल शूटर है और खेल की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। आमतौर पर खेलों से जुड़े रहने वाले लोग दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन श्रेयसी इस भ्रम को तोड़ देती है। वह देश की सबसे सुंदर खिलाड़ियों में गिनी जाती है। उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले ग्लासगो में हुए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। खेल में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। खेल के अलावे वह माता पिता की राजनीतिक विरासत भी संभाल रही है। माँ पुतुल कुमारी बांका की पूर्व सांसद रह चुकी है। पिता दिग्विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे केंद्र में मंत्री रहे थे। फिलहाल 30 साल की श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई से बीजेपी की विधायक है। खेल, राजनीति और व्यक्तित्व में अव्वल रहने की वजह से श्रेयसी सिंह को इस लिस्ट में जगह देना तो बनता ही है। नंबर 4, मैथिली ठाकुर। सुरीली आवाज की मल्लिका मैथिली ठाकुर इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। लोग लगातार कई सालों से उनकी आवाज के मुरीद रहे हैं। मधुबनी जिले से आने वाली मैथिली ठाकुर को उनके खास सिंगिंग टैलेंट के लिए जाना जाता है। वह हिंदी के अलावा मैथिली, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी सहित कई अन्य भाषाओं में गाती है। 2017 में राइजिंग स्टार रियलिटी शो की वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। उन्हें फेसबुक तथा यूट्यूब पर खूब सुना जाता है। सोशल मीडिया पर उनके फैन फॉलोइंग की लिस्ट कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से भी अधिक है। मैथिली ठाकुर अभी भी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर लाइव होती है। 2019 में मैथिली और उनके दो भाइयों को राज्य चुनाव आयोग ने मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। मैथिली की उम्र अभी मात्र 21 साल है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वह बिहार के टॉप 5 की लिस्ट में काफी लंबे समय तक बरकरार रहेंगी। नंबर 3, नेहा शर्मा। अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाने वाली नेहा शर्मा बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। 34 साल की नेहा बिहार के कांग्रेसी नेता अजीत शर्मा की बेटी है। अजीत शर्मा वर्तमान में भागलपुर से विधायक है। साल 2007 में नेहा ने तेलुगु फिल्म चिरुथा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके कुछ सालों बाद नेहा ने बॉलीवुड में क्रूक फिल्म में इमरान हाशमी के संग एक्टिंग की। नेहा को इस फिल्म में खूब पसंद किया गया था और वह एकदम से चर्चा में आ गई थी। इसके बाद नेहा शर्मा ने कई फिल्मों में काम किया। समय समय पर वे म्यूजिक एल्बम में भी दिखती रहती है। सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की तादाद काफी लंबी है। चुनाव के समय अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करने से भी नहीं चूकती और इसलिए ये हमारी लिस्ट में आज शामिल हुई है। नंबर 2, अक्षरा सिंह। बिहार की चर्चित भोजपुरी अभिनेत्रियों में 28 वर्षीय अक्षरा सिंह हमारी लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। लंबे समय से वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जो भोजपुरी फिल्मों की सक्सेस मंत्रा है। साल 2011 में पहली बार अक्षरा ने फिल्म प्राण जाई पर वचन न जाई से सिल्वर स्क्रीन में एंट्री मारी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वह एक के बाद एक कई हिट फिल्में देती चली गई। अक्षरा को करियर में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का अच्छा साथ मिला। हालांकि अक्षरा उनके साथ विवादों में भी रही। फिलहाल वह एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी दिग्गजों को टक्कर दे रही है। फैंस उनके लिए पागल नजर आते हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें ये शानदार जगह दी गई है। नंबर 1, सोनाक्षी सिन्हा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा,
बिहारी बाबू के नाम से फेमस शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा यहाँ की सबसे चर्चित अभिनेत्री है। 34 वर्षीय सोनाक्षी को प्यार से सोना और जूनियर शॉटगन भी कहा जाता है। बॉलीवुड में कम ही ऐसी हीरोइनें होंगी जिन्होंने अपनी शर्तों पर फिल्मों में काम किया। सोनाक्षी उनमें से एक है। सोनाक्षी ने 2010 में सुपरस्टार सलमान खान के साथ बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी। इसके बाद तो उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के साथ काम कर फिल्मों की झड़ी ही लगा दी। सलमान के साथ दबंग सीरीज के अलावे अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर, जोकर, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में काम कर खूब लोकप्रियता बटोरी। फिल्म लुटेरे में किए गए शानदार अभिनय के लिए उन्हें आज भी सराहा जाता है। सोनाक्षी आज भी लगातार हिट फिल्में दे रही है। वह इस लिस्ट में पहले पायदान पर रहने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।